फ्रेंड्स, रमा की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैंगो से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट डेजर्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी रेसिपी अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये मैंगो कस्टर्ड पाउडर है, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। चूँकि मैं मैंगो वाला बना रही हूँ तो मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है। और इसके लिए मैंने 50 ग्राम चीनी लिया है और 1 आम को मैंने स्लाइस में काट के रख लिया है। और मुझे 1 पैकेट ये बिस्किट चाहिए, ये यूनिक बी का बिस्किट है। और इसके लिए मुझे ये 1/2 लीटर दूध चाहिए। सबसे पहले हमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से इसको डिजॉल्व कर लीजिए। ये देखिए, दूध नॉर्मल दूध है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक पैन में ये मैंने 1/2 लीटर दूध लिया हुआ है, मैं ये दो लोगों के लिए बना रही हूँ। तब इसको मुझे गाढ़ा करना है। अब ये थोड़ी देर इसको गाढ़ा करना है। अब इसमें आप ये कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए और इसको थोड़ा रबड़ी स्टाइल में करना है। इसको आपको इसे बराबर चलाते रहना है, नहीं तो दूध पकड़ सकता है। अब आप इसमें, ये मैंने 50 ग्राम चीनी ली है, अब इसमें आप चीनी ऐड कर दीजिए और इसको थोड़ा गाढ़ा होने दीजिए। ये देखिए, 10 मिनट हो गया है, ये बहुत अच्छा सा ये गाढ़ा हो गया है। अब आप इसमें थोड़ा सा, ये मैं एक केवड़ा ली हूँ तो इसमें 1/2 चम्मच मैं इसमें केवड़ा डाल दूँगी। आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। ये मैंने 1/2 चम्मच से कम ही मैंने डाला है। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा खुशबू के लिए। अब आप इसको मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए अगला स्टेप शुरू करते हैं। मैं ये बिस्कुट को खोल के और इसको एक पन्नी में इसको मुझे अच्छे सा पाउडर बनाना है। आप इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं। इस तरह से मुझे इसका पूरा चूरा कर लेना है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। हो गए हैं इसे फ्रिज में रखे हुए। अब आप 2 बाउल लीजिए और ये जो मैंने बिस्कुट का चूरा बनाया है और ये मैंगो। सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप इसमें पहले थोड़ा सा थोड़ी सी आपको रबड़ी डालनी है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए ऐसे। अब आप इसमें ये बिस्कुट का चूरा इसके ऊपर पूरा डाल दीजिए। इसको पूरा कवर कर देना है खूब अच्छे से। इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए इसको, ये देखिए इस तरह से। फिर आपको इसमें थोड़ा सा मैंगो, आप थोड़े से मैंगो डाल देने हैं चारों तरफ। फिर इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ये ऐड करना है कस्टर्ड। इसको फिर आप अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर दीजिए, पूरा कवर कर देना है आपको इसको। ये देखिए, फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे इसको ऐसे आपको ऐसे डेकोरेट करना है चम्मच की हेल्प से आपको। ये देखिए,
ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में तो जवाब ही नहीं। ये देखिए इस तरह से आप इसको थोड़ा थोड़ा और मैं इसे डेकोरेट करते हुए इसको ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए आप ऊपर से एक ये दो तीन पीस आप मैंगो के ऐसे डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा ऊपर से इसमें। ये देखिए इसी तरह से मैं दूसरा ग्लास भी तैयार कर लूँगी। ये देखिए इसमें थोड़ा सा एक कस्टर्ड, इसको स्प्रेड कर लीजिए और ये पूरा चूरा डाल दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से। अब आप ये मैंगो डाल दीजिए, ये फिर आप इसमें थोड़ा सा इसको ऊपर पूरा कवर कर दीजिए इसको। ये इस तरह से आप इसको फिर से इसको ऐसे डेकोरेट कर दीजिए। ये देखिए बीच में मैंगो डाल दीजिए और ऊपर से ये थोड़ा सा हल्का सा बिस्कुट का ये चूरा। ये देखिए बिल्कुल 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, ये बहुत अच्छा सेट हो गया है। जिन लोगों को मैंगो बहुत पसंद है उन लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं इसको आपको दिखाती हूँ, ये अंदर से देखिए बहुत ही सॉफ्ट और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। दोस्तों ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।